है कि हम खड़े हैं 84 कोस परिक्रमा मार्ग में। ये है 84 कोस परिक्रमा मार्ग, ब्रज के 84 कोस की परिक्रमा लगती है। नंगे पैर लगा रहे हैं, देखिए साधु संत। तो अभी हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, एक ढलान आएगा उसके बाद जंगल में से क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा जंगल आएगा। ये 84 कोस परिक्रमा में निकले हुए हैं, अपना खाना पीना भी बांध के ले जाते हैं। यहाँ से दिखा रहा आदि बद्री 2 किलोमीटर, लक्ष्मण जूड़ा 3, गंगोत्री 3, यमुनोत्री 3, नीलकंठ महादेव 3 कुंड है यहाँ पे आदि बद्री पे। दोस्तों करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत महादेव के साथ। हर हर महादेव, मैं हूँ आपका दोस्त कपिल सातवा वेटर राइडर। और अभी का सीन यह है कि हम खड़े हैं 84 कोस परिक्रमा मार्ग में। ये है 84 कोस परिक्रमा मार्ग ब्रज की, और यहाँ से आप जा सकते हो आदि बद्री केदारनाथ। ब्रज के जो 84 कोस परिक्रमा में 4 धाम पड़ते हैं वो यहीं से पड़ते हैं, ये रास्ता है। यहाँ से 10-12 किलोमीटर आपको आदि बद्री और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पड़ते हैं। ये रास्ता जाता है कामा के लिए और ये रास्ता जाता है डीक के लिए। तो निकलते हैं, फिर सीधे दिखाते हैं आपको आदि बद्रीनाथ और 4 धाम ब्रज के। हर हर महादेव। तो दोस्तों ये रास्ता है 84 कोस से परिक्रमा मार्ग, यहाँ से 84 कोस परिक्रमा भी लगती है। और मैंने 84 कोस परिक्रमा लगाई थी जब इसी रास्ते से गए थे, और आगे जाके आपको आदि बद्री, 4 धाम जो ब्रज के आदि बद्री, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज आपको दर्शन कराऊंगा आज बहुत चीज़ कामा की, जो फेमस जगह हैं भगवान कृष्ण की जन्मस्थली हैं, जो कीड़ा किए हैं वहाँ की, जो गाय चराने आते थे भगवान श्री कृष्ण, वो चीज़ आपको सारी चीज़ वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और जो चैनल पे नए हैं चैनल कर लेना सब्सक्राइब। बोलो राधे राधे। ब्रज 84 कोस परिक्रमा हैं खोगाम, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण खो गए थे ऐसा बताते हैं। और 4 धाम परिक्रमा जब लगाते हो तो इसमें से आपको जो आदि बद्री मंदिर है वो यहाँ से जाता रास्ता, और आगे पसोपा के अथवाड़ा, जटेरी धाम, आदि बद्रीनाथ मंदिर। तो ऐसे 84 कोस की परिक्रमा लगती है। नंगे पैर लगा रहे हैं, देखिए साधु संत। राधे राधे। तो 84 कोस परिक्रमा में आप जब लगाओगे तो ये डीक का जो 4 धाम आते हैं वो भी ऐसे यहाँ पे आते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बालक हैं जो भगवान श्री कृष्ण के 84 कोस की परिक्रमा में, जो कीड़ा स्थली है उनकी परिक्रमा लगा रहे हैं। और पूरे साल भर अब तो चलने लग गई है, पहले लौंद के महीने में चलती थी, अब पूरे साल भर चलती है 84 कोस परिक्रमा। तो अभी हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, एक ढलान आएगा उसके बाद जंगल में से क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा जंगल आएगा आदि बद्री का जंगल, उसमें सड़क ख़राब आती है, देखिए आगे सड़क ख़राब, और थोड़ा वन क्षेत्र मिलता है इसमें, थोड़ा ऐसा लगता है कि ख़तरनाक सा, इसमें जंगली जानवर भी रहते हैं थोड़े लोमड़ी टाइप में, तेंदुए तो नहीं रहते, लोमड़ी टाइप में मिल जाएंगे आपको। रास्ता कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ मिलता है थोड़ा बहुत। राधे राधे। और 84 कोस परिक्रमा चलती हुई देख सकते हो आप, ये 84 कोस परिक्रमा में निकले हुए हैं, अपना खाना पीना भी बांध के ले जाते हैं। नाथ परिक्रमा मार्ग, तो यहाँ से दिखा रहा आदि बद्री 2 किलोमीटर, लक्ष्मण जूड़ा 3, गंगोत्री 3, यमुनोत्री 3, नीलकंठ महादेव 3। तो देख सकते हो रास्ता बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे आदि बद्री के दर्शन करके, बहुत दूर दूर से आते हैं ब्रज के 84 कोस देख परिक्रमा में जो 4 धाम है उनको देखने के लिए। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है आज आदि बद्री पे, और बस आ चुके हैं आदि बद्री नाथ के मंदिर। और यहाँ पे बहुत सारे आसपास मंदिर भी हैं, नीलकंठ महादेव का है, उसके बाद गंगोत्री यमुनोत्री है, लक्ष्मण झूला मंदिर है, और बहुत पब्लिक आती है यहाँ, दूर दूर से पब्लिक आती है, जिनको जानकारी हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से तो आते रहते हैं। और ये पूरा आदि बद्री का क्षेत्र, वन क्षेत्र, और बहुत भीड़ है आज आदि बद्री में। तो देख सकते हो बहुत दूर दूर से आए हैं पब्लिक। RD 05 RD 05।
दोस्तों मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, गाड़ी अंदर ही लगाएंगे। उधर दूसरी साइड में चल रही थी रागनी, और गाड़ी को रखते हैं फिर और आपको दर्शन कराते हैं आदि बद्रीनाथ के। तो ये कुंड है यहाँ पे आदि बद्री पे, और देख सकते हो ये देखिए लोग नहा रहे हैं, रस्सा पकड़ रहा, पानी बहुत है अब तो, और पहले नहीं था पानी, मैं अब जब दो तीन बार आ चुका हूँ। और मंत्री जी खड़े हैं, जवाहर सिंह बेडम जी यहाँ पे, अभी निकलते हैं सीधे दर्शन करते हैं। पहले यहाँ पे बाइक खड़ी करी थी मैंने, वो बद्रीनाथ आदि बद्रीनाथ ठीक। जय सिंह, जय ओ राधा रानी, जय बद्रीनाथ नारायण गणेश जी। रामेश्वर जी गणेश, चल चल चल, चलो 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 चलो, प्रसाद मिल रहा है आप, और यहाँ पे आपको फ्री में खाना मिल रहा है। देखिए तो 84 कोस परिक्रमा करते हैं उनके लिए, और यहाँ पे फ्री में प्रयोग चलता रहता है भोजन, आपको लस्सी वगैरह सारी चीज़ की व्यवस्थाएँ मिल जाती हैं। ये है आदि बद्रीनाथ का मंदिर, तो यहाँ पे लंगर चल रहा है, देख सकते हो साफ सफाई भी चल रही है। और ये पीछे का आपका देख सकते हो, पीछे का तो ये सब सीन है यहाँ का लंगर का, और बहुत से लोग प्रसाद खा रहे हैं, और हम तो पहले दो बार आ चुके हैं। तो यहाँ पे अलग अलग मंदिर बने हैं छोटे छोटे से, ये देखो बाबा बिहारी का, हनुमान जी का, और एक ये राम सीता का, और ये देवी माता का, ये पूरा मंदिर का प्रांगण। तो अभी निकल रहे हैं मंदिर से, और ये देख सकते हो मंदिर के जो बाहर का दृश्य है वो आपको दिखाता हूँ। ये कुंड है जो पानी अभी चल रहा है, वैसे गर्मियों में पानी बहुत कम हो जाता है, इस बार बारिश हुई है तो तेज धार देख सकते हो, और इसमें जो पानी है वो भी बाहर से मोटर द्वारा डाला जा रहा है। तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था पूरी पूरी, पहले आया था जब पानी की व्यवस्था नहीं थी, अब नल भी लगा दिए। और ये पूरे मंदिर का सीन है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर मंदिर है। हमारी ब्लैक पैंथर वो खड़ी है, अभी उठाते हैं फिर निकलते हैं। आई होप आपको ये मंदिर जो 84 कोस परिक्रमा में भरतपुर में जो डीग क्षेत्र है उसके चार धाम अच्छे लगे होंगे, और बहुत कम लोग जानते हैं ब्रज के 84 कोस परिक्रमा में जो चार धाम पड़ते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण बनाए थे। निकलते हैं अपनी गाड़ी और चलते हैं। तो ये था अपना आदि बद्रीनाथ का मंदिर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं तो दो बार आ चुका हूँ, तीसरी बार अब की बार आया हूँ। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को ना सब्सक्राइब। तो जाम लग चुका है, ट्रॉली भर भर के लोग आए हैं आज आदि बद्रीनाथ, तो क्योंकि जवाहर सिंह बेडम जी आए थे तो उनकी चक्कर में और रागनी प्रोग्राम था, तो बहुत भीड़ थी। मैंने इतनी भीड़ दो बार आया हूँ कभी नहीं देखी। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा, ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।